हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ मोहाली सेक्टर 86 में आपके लिए अल्ट्रा लग्जूरियस अपार्टमेंट्स लेके, जो कि रहने वाले 3 BHK के। अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया रहने वाला है 2080 स्क्वेयर फिट। सेक्टर 86 रहने वाला है ये गमाडा और रेरा अप्रूव्ड हमारी सोसाइटी रहने वाली है, जो कि S+12 रहने वाली है विद पार्किंग है। बेसमेंट में पार्किंग आ जाएगी आपकी, साथ में आपकी स्टिल्ट में पार्किंग आ जाएगी। यहाँ पे रेडी टू मूव जो है, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, सेक्टर 86 रहने वाला है, ओनली एयरपोर्ट रोड से आपकी 10 मिनट की ड्राइव पे ये रहने वाला है। कमर्शियल हब जो है आपको यहाँ पे सारा साथ में मिल जाएगा। CP67 जो है बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे रहने वाला है। डेली नीड्स की शॉप्स जो है सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस सारे यहाँ पे आपके नियर बाय रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आप मेरे सामने देख सकते हैं 3.5 एकड़ का जो है यहाँ पे पार्क आ जाता है, जो कि वेल मेंटेन्ड है। फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। बिल्कुल सामने आप शॉप्स भी देख सकते हैं, सारी शॉप्स है यहाँ पे। आपका IT एरिया जो है सारा नियर बाय आ जाता है, और ये आ जाती है आपकी प्रॉपर गेटेड सोसाइटी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहते हैं। कैमराज यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं। पार्किंग स्पेस आ जाती है आपकी फ्रंट यहाँ पे। नीचे आपको यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग, जैसे मैंने बताया, और स्टेट पार्किंग एरिया बताया। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये बेसमेंट जो है हमारी यहाँ पे बन रही है बेसमेंट पार्किंग के लिए। ये सारा एरिया आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। S+12 का, जैसे कि मैंने आपको टावर बताया है, इसमें आपको फुली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। 2080 स्क्वायर फिट इसका एरिया रहने वाला है, जो कि 231 गज रहने वाला है। बाकी आइए मैं लेके चलती हूँ आपको फ्लैट के अंदर। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको आपका फ्लैट। तो ये आ जाता है आपका स्टेयरकेस एरिया। यहाँ पे आपको डबल साइड जो है स्टेयर्स मिलने वाली हैं। एक आ जाती है आपकी इस साइड, दूसरी आ जाती है आपकी इस साइड पे। दो लिफ्ट आपको यहाँ पे एक टावर में मिलने वाली हैं। फर्स्ट लिफ्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, सेकेंड लिफ्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और ये आ जाता है आपका फायर फाइटिंग सिस्टम, और ये आ जाता है आपका सब मीटर यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पावर बैकअप जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक टावर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स आपके रहने वाले हैं। एक इस साइड आ जाता है, एक इस साइड आ जाता है, और 2 बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाते हैं। तो आइए अभी मैं लेके चलती हूँ आपको आपके सपनों के घर के अंदर। सबसे पहले तो आप डोर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर डोर जो है हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। डिजिटल लॉक्स आ जाते हैं आपके, तो आइए एंटर करते हैं। एंट्री करते ही जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जन्नत वाली फीलिंग लग जाती है आने। एक बार देखिए कितना सुंदर इसको डिज़ाइन किया गया है। फुली फर्निश्ड का जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। कितना ज़्यादा ये स्पेशियस घर है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2080 स्क्वायर फिट इसका एरिया रहने वाला है। अगर इसको मैं वैसे डिवाइड करूँ तो ये 231 जो है गज निकल के आता है फ्लैट का एरिया। सबसे पहले आप यहाँ पर लिविंग स्पेस देखिए, कितना ज़्यादा स्पेशियस ये रहने वाला है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 5 सीटर जो है सोफ़ा इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है। वहाँ पे हमने 2 ऑलरेडी चेयर्स लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जो कि लगाई गई हैं। बहुत ही सुंदर फर्नीचर जो है हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। वॉल पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आपका फुली फर्निश्ड का प्लान है, तो फुली फर्निश्ड में आपको एक एक चीज़ यहाँ पर डिलीवर होने वाली है। AC आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं LED पैनल, बहुत ही बड़ा हम आपको LED पैनल यहाँ पे बना के दे रहे हैं। LED जैसा आप देख रहे हैं, आपको सेम एज इट इज़ ये डिलीवर होने वाली है। जैसा कि आप वॉल पे यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं, विद प्रोफाइल लाइट्स आपको सेम डिज़ाइन के साथ ये डिलीवर होने वाला है। एक बार नज़र फॉल सीलिंग पे मार लीजिए, एज इट इज़ ये आपकी रहने वाली है। बालकनी यहाँ पर आपकी अटैच रहने वाली है। इस साइड पे आ जाती है आपकी बालकनी। UPVC जो है आपका सबसे पहले यहाँ पे मैश डोर आ जाता है, उसके बाद UPVC आपका जो है टफन ग्लास के साथ आ जाता है डोर। आइए एंट्री करते हैं।
ये आ जाती है आपकी बालकनी। यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो है बालकनी हम आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं। पार्क्स जैसा कि मैंने आपको बताया था सोसाइटी में हम आपको तीन पार्क दे रहे हैं। फर्स्ट पार्क जो है आपका यहाँ पे आ जाता है, बैक साइड पे आ जाएगा, बिल्कुल आप मेरे सामने देख सकते हैं 3.5 एकड़ का ये पार्क रहने वाला है आपका, जो कि गवर्नमेंट पार्क रहने वाला है, वेल मेंटेन्ड ये पार्क रहने वाला है। तो ये तो था बालकनी एरिया जो कि लिविंग स्पेस के साथ आपका कनेक्टेड है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको आपका डाइनिंग एरिया। ये आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस यहाँ पे, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की गई है। इस वाली वॉल पे आप देख सकते हैं इसको एज ए वेलकम वॉल आपके रखा गया है। यहाँ पे लूबस जो है यहाँ पे वुडन का कंप्लीट वर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ आपके मॉड्यूलर किचन की ओर। ये आ जाता है आपका कंप्लीट मॉड्यूलर किचन यहाँ पे, बिल्कुल सेपरेट जो कि रहने वाला है। एंट्री करते ही यहाँ पे सबसे पहले आप लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लाइटिंग हम आपको करके दे रहे हैं। OTG ओवन सारा आपको एज इट इज़ यहाँ पे डिलीवर हो रहा है। ये आ जाता है आपका पेंट्री सेक्शन, कंप्लीट स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे मिल रही है विद प्रोफाइल लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका LG का फ्रिज, एज इट इज़ हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए फुल हाइट तक हम आपको कैबिनेट्स यहाँ पे बना के दे रहे हैं। चिमनी आपकी रहेगी, हॉब आपकी रहेगी, एज इट इज़ आपको डिलीवर होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कैबिनेट्स दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमने कम्प्लीट आपको स्टोरेज दी हुई है। यहाँ पर आ जाता है आपका ड्राई वॉश एरिया और ये आ जाता है आपका वेट एरिया। वेट एरिया हमने आपको यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। सारा की फिटिंग हम आपको दे रहे हैं विद मूवेबल टैप्स। साउंड प्रूफ जो है आपके सिंक्स रहने वाले हैं। बालकनी यहाँ पे आपकी अटैच रहने वाली है। अटैच बालकनी आ जाती है, जैसा मैं हमने आपको पार्क्स बताया था। सेकेंड पार्क जो है आपका यहाँ पे आने वाला है। ऑलमोस्ट जो है आपको रेडी टू मूव जो है ये आपका फ्लैट डिलीवर होने वाला है। तो ये था आपका मॉड्यूलर किचन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आपको आपके फर्स्ट बेडरूम की ओर। इस साइड पे आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। एक बार बेडरूम का डिज़ाइन देखिए, बहुत ही सुंदर जो है रूम यहाँ पे डेकोर किया गया है। ये आ जाते हैं आपके स्लाइडर कपबोर्ड्स जो कि विद प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, फुल हाइट के आपको मिलने वाले हैं। फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स आपको हम एज इट इज़ यहाँ पे दे रहे हैं। बैक वॉल पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं एज इट इज़, ये हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपका LED पैनल आ जाता है। LED पैनल हम आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम। ये रहेगा आपका अटैच वॉशरूम यहाँ पे। फुल हाइट की जो है हम आपको टाइल्स लगा के दे रहे हैं। सैरा का यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हम आपको वर्क करके दे रहे हैं। ब्रांडेड सारी फिटिंग रहने वाली है। वैनिटी आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ ही यहाँ पे आ जाती है आपकी बालकनी अटैच। सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको मैश विंडो लगा के दे रहे हैं जो कि स्लाइडर है। उसके साथ दूसरा टफन का आ जाएगा आपका और बैक साइड पर आ जाती है आपकी बालकनी। ये आ जाती है आपकी बालकनी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाली है आपकी। ये था आपका फर्स्ट बेडरूम। अभी लेके चलती हूँ आपको आपके सेकंड बेडरूम की ओर। यहाँ पे आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। टाइल्स वर्क देख सकते हैं आप, टाइल आपको कंप्लीट मिल रही है यहाँ पे। फॉल सीलिंग मिल रही है विद प्रोफाइल लाइट्स। ब्रांडेड सारी फिटिंग हम आपको लगा के दे रहे हैं। वैनिटी यहाँ पे लगी हुई है आपकी। आइए रूम की ओर। ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम यहाँ पे। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे कपबोर्ड्स देख लीजिए, वॉल पे डिज़ाइन देख लीजिए। स्टोरेज के लिए कंप्लीट आपको दिया गया है, कंप्लीट स्टोरेज आपको मिल रही है यहाँ पे नीचे तक। ये आपके कपबोर्ड्स आ जाते हैं, साथ ही में अटैच रहेगी यहाँ पे बालकनी। ये आ जाती है आपकी बैक साइड पे बालकनी यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाली है।
अभी लेके चलती हूँ आपको आपके थर्ड बेडरूम की ओर। ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम यहाँ पे। थर्ड बेडरूम में जैसा कि आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग हो रखी है, वॉल पे डिजाइन है, कपबोर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं सारे सेम एज इट इज ये डिलीवर होने वाले हैं। कंप्लीट स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, एलईडी पैनल रहेगा सामने, उसके साथ ही अटैच वॉशरूम आ जाता है विद जैक्वार फिटिंग, ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पे रहने वाली है, टाइल वर्क आपको कंप्लीट मिलने वाला है। उसके साथ ही आ जाती है अटैच बालकनी। हर एक रूम के साथ जो है आपको बालकनी यहाँ पे मिल रही है, अटैच बालकनी आ जाती है आपकी, बहुत ही सुंदर और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जो है आपका ये घर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2080 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहने वाला है। ये था 3 BHK का फ्लैट विद 3 वॉशरूम, S+12 का ये टावर रहने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया। मोहाली की ये प्रॉपर्टी है, रेरा और गमाडा अप्रूव्ड है, सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको यहाँ पे अंदर मिल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्लब हाउस हो गया, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, पार्क्स आपको सोसाइटी के अंदर मिल रहे हैं, बिल्कुल हाईवे के साथ ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। CP67 मॉल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल सामने हमारा रहने वाला है। यहाँ पे सारी जो है एमिनिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।